रामावत डाइट में आपका स्वागत है। जय श्री रामकृष्ण। आज आपको बता रहा हूं समलैंगिक कैसे बनते हैं और उन समलैंगिकों का इलाज होता है। और दूसरी बात, काफी लोग भ्रम में रहते हैं और भ्रामक फैलाते रहते हैं, और ये भ्रामक बातें जो फैलाते हैं उसमें 377 धारा हट गई, बिल्कुल नहीं हटी है। 377 धारा कहां लगेगी? थाने के अंदर लगेगी। किस और उसका फैसला कहां जाएगा? जज के पास में जाएगा, मजिस्ट्रेट के पास में जाएगा, अदालत में जाएगा। और जब ये 377 धारा एक जज के ऊपर लग गई हो या एक लग जाती हो तो आपने सोचा भी नहीं होगा। ये 377 धारा राजस्थान के एक जज के साथ में लग चुकी है। पूर्वोत्तर मैंने एक वीडियो बनाया था, उसके लिए आपको वो वीडियो देखना पड़ेगा। मैं 2.5 साल से लगभग अनुसंधान कर रहा हूं और अनुसंधान किया है, जिसमें बाल यौन शोषण से समलैंगिक बनते हैं। बाल यौन शोषण से जितने भी पीड़ित होते हैं उन्हें समलैंगिकता की एक आदत, एक लत लग जाती है, जो अप्राकृतिक मैथुन माना गया है समाज के अंदर। हमें रहना समाज के अंदर, हमें जीना समाज के अंदर, कानून के दायरे के अंदर। विश्व संस्कृति हमें प्रभावित करती है, पर हमें उससे बचना जरूरी है। आज आपको मैं बताऊंगा, ऐसे मैंने बहुत सारे वीडियो में भी बोला है, बताया है कि बाल उम्र के अंदर जो किशोरावस्था आती है उसके तहत 12 साल से 20 साल के बीच में जिन लड़कों के साथ में बाल यौन शोषण बहला फुसला कर या बलपूर्वक समान आयु के या किसी अधिक आयु वाले ने उनके साथ में यौन शोषण किया है, गुदा मैथुन किया है या मुख मैथुन करवाया है, किया है, तो उन लोगों में ए और बी दो प्रकार के हैं। मैंने बहुत बार बताया है कि ए लड़का एक बाल रूप में है, वो जो मैथुन नहीं कर सकता, किसी की दृष्टि से कानूनन भी अपराध माना गया है, पर उसके साथ में उसकी तो गलती नहीं है, वो बच्चा होता है और उसे ज्ञान नहीं होता है, और ये हरकतें किसी की प्रेरणा से हो सकती है, किसी के दबाव में हो सकती है, तो उनके साथ में बाल यौन शोषण हो जाता है या किया जाता है। तब कुछ लड़के तो हिम्मत करके बायोसेक्सुअल में कन्वर्ट हो जाते हैं, कुछ लड़के ऐसे होते हैं उन्हें न तो सूझता है न किसी को पूछते हैं, तो वो लोग पीड़ित रहते हैं। कुछ कायर होते हैं जो गुलामी स्वीकार कर लेते हैं। इसमें अगर राजनीतिक दृष्टि से देखेंगे तो दो वर्ग हैं, एक शोषित वर्ग और एक शोषक वर्ग। शोषक वर्ग के अंदर समलैंगिक ठीक होने में दिक्कतों का सामना करता है, उसे आइडेंटिटी ये प्राप्त हो चुकी होती है कि ऐसे लोगों ने भ्रामक संदेश दे दिए हैं कि इसका कोई इलाज नहीं, जो पूर्णतया गलत है। जिन लोगों में अच्छी प्रेरणा, अच्छे संस्कार रहे हैं, समाज के अंदर उन्हें उठना बैठना है, वो लोग मुझसे संपर्क किए और उन्होंने मुझसे ट्रीटमेंट लिया। ये सब जानने से पहले, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक करें, अधिक से अधिक शेयर करें। मैं डॉक्टर रुग्नाथ सिंह राणावत, साइकोलॉजिस्ट और डाइटिशियन, आज आपको बता रहा हूं 377 धारा भारत के अंदर हटी नहीं है, लोग भ्रम में हैं, भ्रम फैला रहे हैं, जिसमें काफी लोग हैं। इसलिए आपको इंटरनेट के ऊपर आप देखेंगे तो 377 हटी हुई ज्यादातर भाषाएं लिखी हुई मिलेगी पेपरों के अंदर, पर कुछ लोगों ने आंशिक माना है, वो कम है और वो शब्द आपके सामने आता नहीं है। एक बात और बता दूं, मेरा दुर्घटनापूर्वक हाथ में फ्रैक्चर हो गया था, तो इस हद से मैं कुछ वीडियो देरी से दे पाऊंगा। जो आपको ज्ञात हो या न हो, तो निरंतर इससे मैं अभी उपचार में हूं और ठीक होते ही ज्यादा दे पाऊंगा आप लोगों को। तात्पर्य अब यहाँ कहने का अर्थ है कि ये लड़का कई बार यौन शोषण से पीड़ित होकर माता पिता को पता ही नहीं होता है, और जब माता पिता को पता नहीं होता है तो उस दौरान वो आयु निरंतर बढ़ती रहती है और लत से लगा हुआ होता है, उनके साथ में ब्लैकमेलिंग भी होती है, यहां तक मैंने देखा,
और वो शादी का समय आता है तो माँ बाप शादी के लिए बात करते हैं तो वो इनकार होते हैं। ये आपने देखा होगा पिछला वीडियो जिसमें मैंने बताया था कि 14 साल के लड़के के साथ में जज साहब ने बाल यौन शोषण किया, ये एक आरोप है। तो अब उस बच्चे को जो पीड़ा हुई, दर्द हुई, वो अपने माता पिता को बता दिया। तो मेरा कहने का अर्थ यही है कि जिन लोगों के साथ में बाल यौन शोषण हुआ है उन सभी व्यक्तियों को सामने आना होगा, अपने माता पिता को बताना होगा। और आपके साथ में किसी सहपाठी ने, किसी रिश्तेदार ने, किसी टीचर ने, किसी भी ने, किसी भी संस्था से जुड़ा हुआ जो कोई व्यक्ति है उसने आपके साथ में बाल यौन शोषण किया है तो आपको जो लत लगी है वो आसानी से छूट सकती है। ऐसे सारे समलैंगिक ठीक होते हैं और ऐसे मैंने ठीक किए हैं, ये इसके सारे मेरे पास में प्रमाण है। मैं सुनी सुनाई बातों पे विश्वास नहीं करता, मैं उस धरती से हूं जहां पे इतिहास बदल दिया जाता है, भूगोल बदल दी जाती है। उस मेवाड़ धरती से हूं मैं जहां पे गुलामी को स्वीकार नहीं किया जाता है, गुलामी को और दासता को दूर किया जाता है। अगर आप इस प्रकार से कोई पीड़ित हैं कि आपको समलैंगिकता की लत लग चुकी है या आपके परिवार में किसी को है तो आप उस आदत को आसानी से छोड़ सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत जैसी बात नहीं है। सेक्स ड्राइविंग एक कला है, सेक्स एक गेम है, एक खेलने का तरीका है, वो इंसान भूल जाता है या सीखा नहीं होता है। जब सीखने के दिन होते हैं तो इसको हम सिखा देते हैं कि आपको कैसे सेक्स ड्राइव करना है, कैसे सेक्स गेम्स है इसको खेलना है। मान लीजिए कोई लड़का एक बंद कमरे में नल के नीचे स्नान करता है, उसे कहा जाए कि स्विमिंग पूल में स्नान करना है, तालाब में स्नान करना है, नदी में स्नान करना है, तो डुबकी लगाने से पहले नाक को पकड़ेगा। और अक्सर आप देख लेना कहीं पे भी गंगा नहाते हुए वो जरूर नाक को पकड़ेगा, पर जब वो स्विमिंग सीख लेगा किसी गुरु से तो न तो नाक में पानी जाने का डर होता है, न मुंह में पानी जाने का डर होता है, न आंख में पानी जाने का डर होता है, न कान में पानी जाने का डर होता है। अर्थात सेक्स ड्राइव करना में अरुचि क्यों नहीं होती है, इसके ऊपर काफी मैंने शोध किया है। मर्द होकर भी ना मर्द की जिंदगी बिताता है, ये व्यर्थ है। आप मर्द हो, पूर्ण रूप से संभोग कर सकते हैं, आप अपनी स्त्री को संतुष्ट कर सकते हैं, पिता बन सकते हैं, ऐसे मेरे पास में प्रमाण है। जो लोग शादी से डरते थे, कतराते थे, उन लोगों ने शादियां कर ली है और वो सभी खुश हैं क्योंकि उन्होंने भारतीय परंपरा में अपने परिवार के प्रति श्रद्धा रखी, अपने माता पिता के प्रति श्रद्धा रखी और वो लोग मुझ तक पहुंचे और ठीक हुए हैं। अगर आप कोई सार्थक टिप्पणी करेंगे तो सार्थक टिप्पणी का जवाब दूंगा। मिलते हैं नए अपडेट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, स्वस्थ रहें, मस्त रहें।